जय श्री श्याम मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय कुछ अनोखा रहने वाला है। जानेंगे कुछ ऐसी 8 बातें जो कि आज भी भविष्य जानने में बड़ी ही अचूक साबित होती है। मित्रों, जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब के वीडियो के साथ में अंत तक। जानेंगे कुछ ऐसी अचूक बातें जो कि भविष्य जानने में बड़ी ही कारगर होती है। मित्रों, भारतीय संस्कृति में भविष्यवाणी के ज्ञान का भंडार निहित है। तकनीकी रूप से इसका कोई लिखित इतिहास नहीं है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी यह ज्ञान हस्तांतरित होता रहा है और मानना होगा कि इनके माध्यम से की गई भविष्यवाणियाँ अचूक सिद्ध होती है। मित्रों, जानते हैं कुछ ऐसे ही भविष्यवाणियाँ जिनका होना और जिनका जिनके बारे में कहा जाना बड़ी अचूक भविष्यवाणी साबित आज तक होती आई है। मित्रों, प्रातःकाल चारपाई से उठकर थोड़ा सा बासी पानी पिए और अपने दोनों हाथों को देखें तो वह व्यक्ति कभी बीमार नहीं होता है। मित्रों, चैत्र में गुड़, वैशाख में तेल, ज्येष्ठ में रास्ता चलना, आषाढ़ में बेलपत्र बेलफल, सावन में साग, भादो में दही, अश्व में दूध, कार्तिक में मट्ठा, अगहन में जीरा, पौष में धनिया, माघ में मिश्री, फागुन में चना चबाना बड़ा ही हानिकारक होता है। मित्रों, यदि माघ में बादलों का रंग लाल हो तो अवश्य ही ओले पड़ते हैं। मित्रों, चिंटी दाना इकट्ठा करती है और यदि तीतर चुग जाए तो वह अपशगुन माना जाता है। मित्रों, जिस पेड़ पर बगुला बैठे उस पेड़ का नाश हो जाता है। यदि गिरगिट नीचे की ओर मुंह करके उल्टा पेड़ पर चढ़े तो वर्षा से पृथ्वी डूब जाएगी, ऐसा भविष्य बुजुर्ग लोग कहते हैं। मित्रों, होली, लोहड़ी और दिवाली जिस वर्ष में क्रमश शनि, रवि या मंगल को हो तो देश में भारी बीमारी लगती है। मित्रों, 7 दांतों का बैल अपने स्वामी को खा जाता है और 9 दांतों का बैल स्वामी और उसके परिवार को खा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि वह परिवार के लिए हानिकारक होता है। मित्रों, ये सब जानकारी परंपरागत रूप से प्राप्त ज्ञान पर आधारित है जो कि मैंने आप लोगों से शेयर करी है। मित्रों, ये जानकारियाँ बड़ी अचूक है जो कि बुजुर्गों द्वारा सुनी हुई है। मैंने जो आज तक आपको बताया है उसी में से ये एक संकलन था। और मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए मेरे इस YouTube चैनल के साथ में। जय श्री श्याम मित्रों।